ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट की जांच ब्रीथ एनालाइजर से की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर एक ही मशीन से अनेकों लोको पायलट की जांच करने से खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए फिलहाल लोको पायलट की जांच न करें, इस ब्रेक चेन की मांग को लेकर लोको पायलट के परिजनों ने रेल की DRM से मिले। चीन से आया कोरोना वायरस धीरे धीरे भारत के साथ साथ और भी देशों में और शहरों में अपने पांव पसार रहा है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए कई जनजागृति के और कई चर्चा सत्र और कार्यक्रम के द्वारा लोगों में जनजागृति करने का कामकाज हो रहा है। ठीक उसी तरह से राज्य सरकार की ओर से भी कामकाज किया जा रहा है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस के जो सर्दी खांसी जुकाम के माध्यम से भी हो सकता है, बशर्ते हमें कोरोना वायरस के रोकथाम करने के लिए खुद को पूरा प्रिवेंटिव रखना होगा। ठीक इसी श्रृंखला में कोरोना महामारी के चलते नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने नागपुर मंडल के रेल चालक, गार्ड कर्मचारी एवं परिवारजनों के साथ मंडल रेल प्रबंधक से मुलाकात की और इस मौके पर कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों को ब्रेक चेन की मांग की। कोरोना वायरस को देखते हुए ब्रीथ एनालाइजर इस मशीन को ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट की जांच ब्रीथ एनालाइजर इस मशीन से की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए ब्रीथ एनालाइजर से जांच कराना ये काफी गलत है, क्योंकि इसके सिम्टम्स और भी लोको पायलट के अंदर जा सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस और भी बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोको पायलट के परिजनों ने DRM से बातचीत की। कल जो है DRM से साहब से मिलने के बाद उन्होंने जो है अपने सीनियर DTRO के साथ मिलकर नागपुर लॉबी एवं रनिंग रूम का ये निरीक्षण किया और साथ ही कुछ कड़े निर्देश भी निकाले गए। और यहाँ पे हमने इटारसी और भोपाल के कुछ इश्यूज को लिए थे BA टेस्ट के बारे में, तो उसमें आज हमने देखा है कार्रवाई हो गई है। दो लोगों को उसमें डाटा एंट्री के लिए रखा है और वो जो मशीन है उसको सॉफ्ट ब्लोइंग करके एक अलग से प्रावधान दिया है, तो अभी उसमें वहाँ पे काफ़ी राहत दिख रही है इटारसी और भोपाल में। और नागपुर के अंदर में भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो स्ट्रॉ वगैरह था उसको लंबा किया गया, मगर अभी हमारी महामंत्री से भी बात हुई है। महामंत्री को हमने बताया कि NWR रेलवे में जो है इसको बंद करने के आदेश निकल गए हैं, तो मैं उनको फॉरवर्ड किया हूँ, तो उनका आश्वासन मिला कि ये जल्द से जल्द जो है इस सिस्टम को पूरे देश में जो है बंद करने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे ARF लेवल पर। आए दिन शराब पीकर वाहन चलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है और ये करना बहुत लाजमी और योग्य भी है, लेकिन अफसोस कि आए दिन रेल के जो कर्मचारी जो होते हैं, खासतौर पे जो लोको पायलट जो होते हैं, जो ट्रेन को चलाते हैं, आज उनका भी ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से उनकी टेस्ट की जाती है, उनकी जाँच की जाती है। जाँच तो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते लोको पायलट ने ब्रीथ एनालाइजर से जांच करने के लिए साफ मना कर दिया। आइए जानते कुछ पदाधिकारी हमारे साथ में। सर, ये बताइए कि ब्रीथ एनालाइजर एक काफी अच्छी जो जांच की एक प्रक्रिया होती है, उसमें ऐसा क्या हो कि लोको पायलट ने मना कर दिया? नहीं, फिलहाल मना नहीं किया है, मगर हमारा इसके ऊपर विरोध है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि ये कुछ 10-15 दिन का इशू है जो सब जगह, ये जब ट्रैफिक पुलिस में भी आ गया है, बाकी जगह भी, इसमें कुछ रेलवे में भी हो गया है कि इसको बंद करना है या इसके कुछ अलग तरीके ढूंढ रहे हैं लोग। तो हमारा भी यहाँ पे हमारे डिवीजन में पे पदाधिकारी यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के बीच हमने लेटर दिए, उसके बाद फिर अभी हमें कल जो है कुछ हमारी जो अर्धाग्निज हमारी जो बीवियाँ हैं सबकी, रणवीर साहब की लोको पायलट गार्ड एवं ALPs, इन्होंने कल इनका एक डेलीगेशन जाके DRM को मिला और उनको एक ज्ञापन भी दिया। तो DRM ने जो है बोला कि मेरे हाथ में तो नहीं है, ऊपर उच्च अधिकारियों से बात कर इसमें क्या हो सकता है जल्द से जल्द निवारण करेंगे। प्री एंड पोस्ट ड्यूटी अल्कोहल टेस्ट बिल्कुल मैंडेटरी है। कोई भी ट्रेन जाए, ड्राइवर जाए, ALP जाए, गार्ड जाए, इनका BA टेस्ट होना मैंडेटरी है। लेकिन सामान्य स्थिति में, क्या अभी स्थिति सामान्य है? क्या सब कुछ नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। बेसिकली नाउ वी आर अंडर, इट्स अ नेशनल कैटास्ट्रोफ, बेसिकली राष्ट्रीय आपदा बोलते हैं इसको। ऐसे स्थिति में क्या हम इसको बंद नहीं कर सकते? क्या बंद नहीं करना चाहिए इसको? BA टेस्ट में ये कहा जाता है एज पर WHO गाइडलाइंस कि कंटिन्यूअस मास यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट कैन लीड टू कोरोना वायरस अटैक। ऐसे स्थिति में जब हमारे लोको पायलट, गार्ड्स राष्ट्रहित में
देश हित में, रेल हित में काम कर रहे हैं, तो उन पर हमें भरोसा नहीं है कि ऐसे स्थिति में वो लोग दारू पी के ड्यूटी नहीं करेंगे, कि इतना फेथ उन लोगों पर नहीं है। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि बीए टेस्ट को फिलहाल जब तक कोरोना वायरस है उसे एग्जेम्प्ट किया जाए। बात भरोसा का है, विश्वास का है। इसके साथ ही हमने मंडल रेल प्रबंधक महोदय से और भी कुछ विषयों में हमारे लोको पायलट गार्ड्स के लिए कुछ सुविधाएं मांगी है, जैसे कि लोको पायलट जो ट्रेन इंजन चलाते उसमें जो उनका कैब होता है उसको सैनिटाइज किया जाए, गार्ड का जो वैन होता है जहां वो बैठ कर ड्यूटी करते हैं उसको सैनिटाइज किया जाए, साथ ही साथ उन लोग जब अपना हेडक्वार्टर छोड़ते हैं और दूसरे जगह जाकर जब अपनी ड्यूटी के बाद थोड़ा देर विश्राम करते तो वहाँ जो रनिंग रूम रेस्ट रूम है वहाँ उनके लिए सैनिटाइज किया जाए, साथ में किचन की व्यवस्था जो है वहाँ पर उन किचन के एम्प्लॉय को मेडिकल चेकअप किया जाए। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की ओर से ये जो पहल की गई है, अब DRM साहब ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए जो सैनिटाइजर की बात हो या फिर ब्रीथ एनालाइजर की जो बात हो उसमें काफ़ी एक सुधारणा करने का काम किया गया है और बहुत जल्द लोको पायलट को जो ब्रीथ एनालाइजर है वो कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए DRM साहब के जो गाइडलाइन जो दी गई है उसके ऊपर में भी कामकाज होने जा रहा है। एक काफ़ी अच्छी पहल यूनियन की ओर से की गई है। नागपुर के अजीरी मुख्य शाखा से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।